फतेहनगर पालिका क्षेत्र में बुधवार को एक डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव की फर्जी खबर से हड़कंप मच गया। किसी असामाजिक तत्व ने सोशल मीडिया पर मावली के डॉक्टर ललित गोयल की कोरोना पॉजिटिव आने की खबर गलत वायरल कर दी। ऐसे में तुरंत प्रशासन उस शख्स की तलाश में जुट गया जिसने यह भ्रामक खबर वायरल की। इस मामले में नायब तहसीलदार अभिनव शर्मा ने वायरल खबर पर स्पष्ट किया कि ऐसे डॉक्टर की कोरोना नहीं हुआ है, यह केवल वायरल अफवाह है, इस पर ध्यान नहीं देवे, और अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की भ्रामक खबर वायरल नहीं करे, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर अभिनव शर्मा, उप तहसीलदार सनवार का आप सभी को नमस्कार। मेरा फतेहनगर और सनवार के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी भ्रामक बातें या अफवाह जो फैल रही है उस पर अंकुश लगाने में हमारी मदद करें। अभी हाल ही में देखा गया है कि कुछ बहुत ही बुरी अफवाह जिससे हमारी व्यवस्था चरमरा उठे, जैसे कि कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल में कोरोना का मरीज पॉजिटिव मिला है, उसके चलते पूरे फतेहनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऐसी भ्रामक और अफवाह बातें जो फैल रही हैं उस पर अंकुश लगाएं, इसमें हमारा सहयोग करें। अगले दो दिन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी ऐसी भ्रामक बातें फैला रहा है उसे पकड़ें। उसे पकड़ने का तरीका हमारे पास है, हम उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अलावा उसकी जो भी बात करने की जो हिस्ट्री है किसी से, उसको ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करके हम ये पता लगाएंगे कि ऐसी अफवाह जो फैला रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ऐसा करके हम उस व्यक्ति तक पहुँचेंगे जो कि हमारी कोशिश, जो कि हमने पूरी व्यवस्था पूरा सिस्टम बना रखा है आप लोगों की सुविधा और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, उसको बिगाड़ने पर तुला हुआ है। जो देवता रूपी डॉक्टर्स हैं जो कि अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए जो भी पेशेंट उनके पास आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम उनके बारे में तो ऐसी भ्रामक बातें ना फैलाएं। आप सभी कौन से डॉक्टर के खिलाफ है सर? अभी सुनने में आ रहा था कि फतेहनगर में डॉक्टर गोयल हैं जो कि मावली में हॉस्पिटल में कार्यरत है, उनके बारे में ये बात फैली कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके चलते पूरा एरिया सील कर दिया गया है। ये एकदम गलत बात है, प्रशासन इसका खंडन करता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिसने भी अफवाह फैलाई है उस तक पहुँचे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप सभी व्यक्ति ये ध्यान दें कि जो भी ऐसी अफवाह फैला रहा है, आप जब तक ऐसी बातों की पुष्टि ना करें उसे आगे ना फैलाएं। उल्टा जो ऐसी अफवाह फैला रहा है उसे पूछें कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली, और यदि वो गलत है तो उसका खंडन करें, उसे वही रोके। जैसे सर कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि ये खबर आई है या ऐसे यहाँ पॉजिटिव आई है, लोग कहाँ पता करें कि इनको सही पता लग जाए? आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि ऐसा क्या सही है या ऐसा सही नहीं है, तो सबसे सर्वप्रथम बात तो उसकी पुष्टि तो धीरे धीरे आई जाएगी, या तो सुबह अखबार में आ जाएगी या उदयपुर न्यूज़ चैनल के हिसाब से आपके पास आ जाएगी या प्रशासन की तरफ से आपके पास आ जाएगी या मेरा जो ऑडियो मैसेज आता है उससे आ जाएगी। लेकिन तब तक, जब तक कि इस बात की पुष्टि ना हो, आप ये बात आगे ना फैलाएं। आप उस चेन की कड़ी मत बनिए जिससे ये अफवाहें फैलती हैं। उल्टा जो लोग ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और प्रशासन का साथ दीजिए। धन्यवाद।